Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 18 और 19 अक्टूबर की करंट अफेयर्स क्या है। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिविजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 3 पढ़ाया था हमने संडे को। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने महिला शक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति शुरू किया है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में योगी सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है मिशन शक्ति। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में 6 महीने लंबा एक विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है मिशन शक्ति। और ये जो इनिशिएटिव लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इससे जो महिलाएं हैं उनमें जागरूकता फैलाई जाएगी क्योंकि महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई सारे क्राइम्स हो रहे हैं। तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है लखनऊ में और योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है बलरामपुर में। तो 6 महीने लंबा ये कैंपेन चलेगा और इसके 2 चरण होंगे। पहला है मिशन शक्ति और दूसरा है ऑपरेशन शक्ति। तो इस कैंपेन के पहले चरण में बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स रिलेटेड टू वुमेन्स सेफ्टी कंडक्ट किए जाएंगे। इस अवेयरनेस कैंपेन में जैसे कि जेंडर बेस्ड सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, कॉरपोरेट एक्टिविटी, इंटरव्यूज़, वॉइस मैसेजेस, जो दुर्गा पूजा में पंडाल्स बन रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स और बाकी जो कल्चरल पंडाल्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इस कैंपेन का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को बताया जाए कि महिलाओं के खिलाफ कई सारे क्राइम्स हो रहे हैं और कैसे वो उन सब से डील कर सकते हैं अपने लेवल पे। उन्हें कई सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो उनको हेल्प कर सकती हैं कि अगर उनके खिलाफ क्राइम्स हो रहे हैं तो उनको वो कैसे रिपोर्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं इस कैंपेन के दूसरे चरण की, जो है ऑपरेशन शक्ति। तो वहाँ की जो पुलिस फोर्स है वो वहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन करेगी और उस रजिस्टर में उन क्रिमिनल्स के नाम होंगे जो सर्व कर रहे हैं जेल टर्म क्योंकि औरतों के खिलाफ उन्होंने कुछ क्राइम्स कंडक्ट किए हैं। और जैसे जैसे इन क्रिमिनल्स को छोड़ा जाएगा, जब इनका टेन्योर या फिर इनका सेंटेंस ख़त्म होगा, उन पर उत्तर प्रदेश की सरकार नज़र रखेगी कि दोबारा वो सिमिलर क्राइम के लिए जेल नहीं जाए और उन्हें वार्निंग्स वगैरह दी जाएंगी। और इसके बाद भी अगर वहाँ के जो ईव टीजर्स हैं उन्होंने अपने रास्ते नहीं बदले या कंटिन्यू करते रहे वो क्राइम जिनके लिए वो जेल में गए थे, तो उनकी जो पिक्चर्स है वो पब्लिकली सर्कुलेट की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से किस यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम अनाउंस किया है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनाउंसमेंट की है एक नए प्रोग्राम की जिसका नाम है माई टाउन माई प्राइड। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने 16 अक्टूबर को एक नए प्रोग्राम की घोषणा की है जिसका नाम है माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम और ये शुरू किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में 19 अक्टूबर से। इससे उनका मकसद यही है कि जो पब्लिक आउटरीच इनिशिएटिव है उसको वो अचीव करे और जम्मू एंड कश्मीर के जो टाउन्स हैं वहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी कराएं सभी सर्विसेज की टू दी अर्बन पॉपुलेशन। इस प्रोग्राम का 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है पब्लिक आउटरीच इन टाउन्स, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी और तीसरा है सर्विस डिलीवरी एट डोर स्टेप्स। तो जो मनोज सिन्हा हैं उनका 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे लोगों तक घर घर जाकर पहुंचाया जाए, लोगों तक वो पहुंच सके। दूसरा है जो हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसे और ज़्यादा मजबूत कर सके और तीसरा है कि कई सारी जो ऐसी सर्विसेज हैं वो लोगों के डोर स्टेप तक डिलीवरी की जाए। तो जैसे कि उनके किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, SC, ST, OBC सर्टिफिकेट्स है, ये सब लोगों के घरों तक पहुँचाए जाए। तो उनका मकसद यही है ताकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनसे वो रूबरू हो सके और इसके साथ साथ एक पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम भी बिठाएं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, किस वर्ष तक भारत ने ट्रांस फैट फ्री स्टेट हासिल करने का लक्ष्य रखा है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज
ए वर्ष 2022, वर्ष 2022 तक भारत ने ये टारगेट रखा है कि वो ट्रांस फैट फ्री स्टेटस अचीव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांस फैट फ्री स्टेटस एग्जैक्टली है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम फ्राइड फूड्स वगैरह खाते हैं बाहर में, उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांस फैट होता है। ये एक टाइप का अनसैचुरेटेड फैट है जिसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स रहते हैं। तो बहुत सारी जो बाहर के फूड्स है, और पहले जैसे बड़े ब्रांड्स मैकडोनल्ड्स वगैरह पे भी ये आरोप लगे थे कि वो ट्रांस फैट यूज़ करते हैं, तो उसे एलिमिनेट करने के लिए हमारी डाइट से भारत ने ये टारगेट रखा है कि वर्ष 2022 तक वो ट्रांस फैट फ्री स्टेटस हासिल करेंगे। इसके साथ साथ अनसैचुरेटेड फैट है, जिसे हम ट्रांस फैट कहते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारा वो बढ़ा देता है, और इससे कई सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी होते हैं। और ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि ग्लोबली हर साल 54 लाख लोगों की मौत होती है ड्यू टू अलोन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 16 अक्टूबर 2020 को ये घोषणा की है कि भारत ने ये टारगेट रखा है कि भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा वर्ष 2022 तक। और ये जो टारगेट है उनका, ये इन लाइन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन के साथ नए भारत का, उनके 75वें ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। इसके साथ साथ अगर वर्ष 2022 तक भारत अपना टारगेट अचीव कर ले, तो WHO ने जो टारगेट रखा है, ग्लोबल टारगेट, उससे ये एक वर्ष पहले होगा। WHO का टारगेट है कि ग्लोबल ट्रांस फैट फ्री हो जाए बाय द ईयर 2023। सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक। जो WHO ने टारगेट रखा है भारत के लिए, वो है वर्ष 2023 तक भारत कंप्लीटली ट्रांस फैट फ्री हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारी भारतीय सरकार की कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टारगेट और एजेंडा लिस्ट हैं कि वर्ष 2025 तक हम TB को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकें, हमारी फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए वर्ष 2022 तक, इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड हम अचीव करेंगे बाय द ईयर 2020, और इसमें कई सारे स्टेट्स वगैरह इसमें इंक्लूड हो गए हैं। और हमारी सरकार का ऐसा मानना है कि ये कम्प्लीटली 31 मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसके साथ साथ वर्ष 2030 तक हम सोलर पावर जनरेट कर सके ऑफ कैपेसिटी 500 गीगावाट, हर घर में पीने का पानी हो और पाइप वाटर कनेक्शन हो बाय द ईयर 2024। इसके अलावा उत्कर्ष अचीव कर सके हम बाय द ईयर 2022, जो कि एक रोड प्लान है बाय RBI। हर घर में साफ पीने का पानी हो बाय द ईयर 2024, और इसके साथ साथ हम जीरो रोड एक्सीडेंट फेटलिटीज रिपोर्ट कर सके बाय द ईयर 2030। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, हाल ही में हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कपिला कैंपेन शुरू किया है। कपिला कैंपेन में के का मतलब क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, कलाम। कपिला कैंपेन में के का मतलब होता है कलाम। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअली लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम है कपिला, और जिसमें कपिला का मतलब पूरा मतलब है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। ये शुरू किया गया है 15 अक्टूबर 2020 को, जिस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस है, और इस साल उनका 89th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। तो इस कैंपेन के माध्यम से जो हमारी सरकार है वो अवेयरनेस फैलाएगी कई सारे एडुकेशन प्रोग्राम्स के द्वारा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पेटेंटिंग का एक इन्वेंशन, और इसके साथ साथ कैसे हम पेटेंट्स के माध्यम से भारत को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। और इसी के लिए 15 से 23 अक्टूबर तक एक वीक ऑब्जर्व किया जाएगा ऑन पेटेंटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा सवाल, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 102 मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी में पार्टिसिपेट किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, निर्मला सीतारमन। हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हिस्सा लिया है इन दी 102nd मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी।
चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट किया है इन द 102nd मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमिटी प्लेनरी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 16 अक्टूबर को। इसके साथ साथ हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि कलेक्टिव एक्शन एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे हम जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स जाहिर कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर सकते हैं इन द क्वार्टर फोर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने हाल ही में कमिट किया है 45 बिलियन US डॉलर COVID-19 रिस्पॉन्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, दूसरे कार्यकाल के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, जेसिदा आर्डन को चुना गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड फॉर द सेकेंड टर्म। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिका आर्डन को जो कि है ऑफ द सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी, उन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है न्यूजीलैंड के जनरल इलेक्शंस में 17 अक्टूबर को, और इसीलिए उन्हें चुना गया है फॉर द सेकेंड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। इसके साथ साथ ये जो लेबर पार्टी है ये ऑन ट्रैक थी इस इलेक्शंस को जीतने में और उन्होंने 64 of the 120 सीट्स जीती है न्यूजीलैंड के यूनी कैमरल पार्लियामेंट में, और ये जो सीट्स है ये जीती गई है हाईएस्ट बाई एनी पार्टी सिंस 1996। 1996 में न्यूजीलैंड ने एक प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम हासिल किया था और उसके बाद ये जो नंबर है 64 ये हाईएस्ट है किसी पार्टी ने जीता हो। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन और इनकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को चुना गया है एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनेस्को। इसके अलावा हाल ही में एम ए गणपति को दिया गया था चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और चरणजीत अट्टा को चुना गया था एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो विशाल वी शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनेस्को और उन्होंने रिप्लेस किया है जावेद अशरफ को। तो चलिए अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस फ्रांस में। इनके अध्यक्ष का नाम है ऑड्रे अजुले और इसकी खोज की गई थी 16 नवंबर 1945 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी माइकल ईरानी। माइकल ईरानी को चुना गया है एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो डॉक्टर माइकल ईरानी जो कि है चेयरमैन ऑफ द IWF मेडिकल कमेटी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, अब वो बनेंगे IWF के फोर्थ लीडर सिंस जनवरी दिस ईयर। इस वर्ष जनवरी यानी कि जनवरी 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी जिसमें पूर्व IWF के प्रेसिडेंट थॉमस आजन को अक्यूज़ किया गया था कि उन्होंने डोपिंग के जो चार्जेस हैं उसको कवर किया था, और इसके साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियल स्कैंडल में भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा और उसके बाद पपन रिया को इंटरिम प्रेसिडेंट का चार्ज दिया गया। इसके साथ साथ पवन रिया ने कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को सपोर्ट किया और इसके साथ साथ उन्होंने क्रिएट किया IWF एथलेट्स कमीशन, और इसके साथ साथ उन्होंने रीइंस्टेट किया है IWF की एंटी डोपिंग कमीशन को जिसमें एक पार्टनरशिप इन्वॉल्व है विद द इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिगेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 17 अक्टूबर।
तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 17 अक्टूबर को, और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में एक मैसेज जाए शांति का, प्यार का, और उसके साथ साथ उन लोगों को सम्मान दिया जाए जो कि रहे हैं विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, हंगर, वायलेंस एंड फियर। तो वर्ष 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने डेडिकेट किया कि 17 अक्टूबर को अब से एवरी ईयर्स मनाया जाएगा एज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जोसेफ रिंसिकी के सम्मान में, जो कि है द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट ATD फोर्थ वर्ल्ड। और इसके साथ साथ इस वर्ष का उनका थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज C 94। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 94। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च किया गया था 16 अक्टूबर 2020 को, और ये प्रिपेयर किया गया है जॉइंटली बाय द वेल हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसके साथ साथ भारत की जो रैंकिंग है वो है एट नंबर 94, और इसमें कुल 107 कंट्रीज का मुआयना हुआ था। वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग थी 103, और वर्ष 2019 में भारत की रैंकिंग है 102। और ये जो रिपोर्ट है ये 4 इंडिकेटर्स के ऊपर प्रिपेयर की गई है, जिसमें एक है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी। इसके साथ साथ भारत के जो नेबर्स हैं जैसे कि नेपाल, उनकी रैंकिंग रही है 73rd, बांग्लादेश उनकी रैंकिंग रही है 75th, और पाकिस्तान की रैंकिंग है 88, और ये तीनों भारत से ऊपर है रैंकिंग में। और पहले कंट्री का इसमें नाम नहीं दिया गया था इस इंडेक्स में, 17 नेशंस थे इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो टॉप में थे, और उसमें से एक था चाइना। तो चलिए जान लेते हैं भारत की रैंकिंग अलग अलग इंडेक्स में क्या कौन से नंबर पर है वर्ष 2020 में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 144, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 40, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 142, IMD's वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है एट 43, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 पे भारत की रैंकिंग है 117, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 48, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग है 105, एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 129। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई शशि थरूर। शशि थरूर ने लिखी है ये किताब जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो जाने माने ऑथर और पॉलिटिशियन शशि थरूर ने रिलीज की है अपनी नई किताब जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, और ये रिलीज की जाएगी नवंबर 2020 को। शशि थरूर ने अपनी बुक को डिस्क्राइब किया है एज मैग्नम ओपस, जिसका मतलब होता है किसी भी जो ऑथर होता है उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर प्रोमिनेंट वर्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर बेस्ट वर्क। तो ये किताब या तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या उनका ऐसा मानना है कि उनके आज तक की सबसे अच्छी रचना है, और इसमें उन्होंने थ्योरी, एवोल्यूशन और नेशनलिज्म की जो प्रैक्टिस होती है ग्लोबली और भारत में उसके ऊपर चर्चा की है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। 12वां सवाल, भारत इनमें से किस देश की नौसेना को किलो वर्ग पनडुब्बी INS सिंधुवीर देने जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई म्यांमार। भारत एक किलो क्लास सबमरीन जिसका नाम है INS सिंधुवीर देने जा रहा है म्यांमार नेवी को। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत एक किलो क्लास सबमरीन जिसका नाम है INS सिंधुवीर गिफ्ट करने जा रहा है टू म्यांमार नेवी, और ये पहला सबमरीन होगा हमारे नेबरिंग कंट्री में। ये जो स्टेप भारतीय सरकार ने लिया है ये है विद इंडियाज विजन ऑफ सागर, जो कि है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। और इसके साथ साथ भारत का जो कमिटमेंट है जिसके तहत वो कैपेसिटीज बिल्ड कर सके अपनी सभी नेबरिंग कंट्रीज में और उन्हें सेल्फ रिलायंट बन सके, उसी का एक हिस्सा है।
तो चलिए अब बात करते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार का कैपिटल है ने पिटावो। इनके राष्ट्रपति का नाम है विन मिंट और यहाँ की करेंसी है बर्मिस क्यात। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट अदर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए गए सभी एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना पसंदीदा मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।